स्टूडेंट्स, मोर ऑन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पे बात करेंगे हम लोग। हमने जहाँ अपना पिछला लेक्चर एंड किया था वहीं से हम स्टार्ट लेंगे कि हमने फोर्स की वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी और जिसकी वैल्यू हमारे पास वन पॉइंट से लेके 2 पॉइंट तक जो आई थी वो हमारे पास आई थी जी एम एम डिवाइड बाई आर वन इंटू आर टू। अब यानी कि ये हमारे पास वो पोटेंशियल मतलब कि फोर्स है जो कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे पॉइंट वन से पॉइंट टू की तरफ, ठीक है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमने अब वर्क डन कैलकुलेट करना है, जैसा कि हमने बताया था कि हमने वर्क डन जो है उसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है जो कि हमें पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू देगी। वर्क डन फ्रॉम पॉइंट वन टू टू यानी कि बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए जो यहाँ पर वर्क डन होगा वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें फोर्स हमारे पास एफ है और डिस्प्लेसमेंट जो है यानी कि जितना डिस्टेंस है वन से टू पॉइंट तक वो हमारे पास कितना है, डेल्टा आर। और ये चीज़ जो है ये हम फिगर से भी शो कर सकते हैं। मैं फिगर की तरफ आपको दोबारा लेके जाती हूँ। आप देख सकते हैं कि पॉइंट वन से लेके पॉइंट टू तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास डायरेक्टेड डिस्टेंस वो हमारे पास डेल्टा आर है, ठीक। और यहाँ से बॉडी को डिस्प्लेस करना है हमने वन पॉइंट से टू पॉइंट तक, तो हमें कितना वर्क डन लगेगा वो हमने देखते हैं। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी हम मूव कर रहे हैं, आर की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और एफ की जो डायरेक्शन है तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास डाउनवर्ड। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो हमारे पास कितना बनता है, 180 का, ठीक है। अब इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगी तो फिर हम एंगल की बात करते हैं यानी कि एफ इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा जो है वो हमारे पास इस केस में क्या है, 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों जो है इनकी डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट है यानी कि 180 का इनके अंदर एंगल जो है इनके दरमियान एंगल जो है वो बन रहा है, ठीक है। अगर इसको जब मैं एक्सपेंड करती हूँ तो एफ की वैल्यू स्टूडेंट्स हम ऊपर वाला फार्मूला जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें से हम एफ की वैल्यू डालेंगे जी एम एम डिवाइड बाई आर वन आर टू इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस ऑफ 180 जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव साइन क्रिएट करेगा यानी कि -1 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब अगर हम इसको लिखें स्टूडेंट्स के हमारे पास W12 जो है वो हमारे पास वर्क डन कितना आया है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर वन इंटू आर टू, और डेल्टा आर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, आर टू माइनस आर वन। अब इसी चीज़ को हम एक और तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस जी एम एम इंटू, अब इसको अगर हम देखें आर टू, अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में मैं लिख लेती हूँ स्टूडेंट्स इसी चीज़ को, इसी फार्मूला को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि हम लोग माइनस जी एम एम इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन आर टू और माइनस आर वन डिवाइडेड बाय आर वन आर टू, यानी कि आपने बोथ जो है साइड्स पे आपने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आता है वो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो जाएगा, 1/R1 -1/R2, ठीक है। अब यानी कि आर वन से कैंसिल हो गया, यहाँ आर टू टू से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वर्क डन आ गया फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू जो है वो हमारे पास गया है माइनस जी एम एम डिवाइड बाई 1/R1 -1/R2। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक परफेक्ट फॉर्म बन गई है, इस फॉर्मूला के फॉर्म में बन गया है हमारे पास वर्क डन। अब इसी फॉर्मूला को एज अ स्टैंडर्ड रखते हुए हम वर्क डन निकाल सकते हैं फ्रॉम पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री, यानी कि अगर हम बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे सेकेंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट तक, तब हमारे पास वर्क डन क्या होगा, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई 1/R2 -1/R3, ठीक है। यानी कि आपने ये एज अ स्टैंडर्ड रख लिया है और इसके ज़रिए आप जो नेक्स्ट वर्क डन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह वर्क डन फ्रॉम पॉइंट एन -1 टू पॉइंट एन, यानी कि लास्ट जब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस जी एम एम इंटू 1/RN -1 -1/RN, ठीक है। अब यानी कि इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जिस तरह वन पॉइंट वन से पॉइंट टू तक हमने डिस्प्लेस किया था, तो फिर हमने क्या करना है, 1/R1 यानी कि पॉइंट वन का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ माइनस 1/R2 यानी कि सेकेंड पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं फिगर से भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि फिगर में भी हमारे पास ये जो डिस्टेंस है आर वन कौन सा डिस्टेंस है, ओ पॉइंट से यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ आप बॉडी को लेके जाना चाहते हैं, और इसी तरह आर टू जो है वो हमारे पास सेंटर ऑफ द अर्थ का डिस्टेंस है सेकेंड पॉइंट तक, और यहाँ हम एन पॉइंट तक यानी कि एन पॉइंट तक हम लेके जाना चाहते हैं बॉडी को, और इससे जो लोअर नंबर होगा वो एन माइनस वन होगा, ठीक है। एन हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, वो हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ तक हमने इस पाथ को जो है वो डिवाइड किया है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उस पर। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ
ये फॉर्मूला जो है वो हमने निकाल लिया। अब अगर हमने जिस तरह से बात की थी कि हम टोटल वर्क डन जो है वो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम इन सारे वर्क डन को एड अप कर दें तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, यानी कि W1 to 2 plus W2 to 3, ठीक है, वर्क डन, और प्लस हमारे पास सो ऑन अप टू WN-1 to N, ठीक है, यानी कि ये सारे वर्क डन हम एड अप करेंगे। अब इसी चीज़ को लेते हुए, हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए जो है वो जो इसका रिजल्ट है, यानी कि इन सारे वर्क डन को जो हम एड अप करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स, यानी कि W टोटल जो है इसको T जो है वो हमारे पास टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस GMM इंटू, अब यहाँ स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि माइनस GMM, अगर आप देखें ये वाला हमारे पास फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला, इन सबको हम एड अप कर रहे हैं तो हमारे पास हर फॉर्मूले में माइनस GMM जो है वो कॉमन आ रहा है, इसी वजह से मैंने उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लिया है। और अगर हम देखें 1/R1 - 1/R2, ये वाली टर्म हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आएगी, प्लस 1/R2 - 1/R3, और प्लस हम अप टू सो ऑन जो है वो हमारे पास, इसको पेज को हम स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है, माइनस जी सॉरी यहाँ माइनस तो हमने बाहर निकाली ऑलरेडी कॉमन, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1/RN - 1/RN, ठीक है, ये हमारे पास चीज़ आके। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास चीज़ें टर्म्स जो है वो कौन कौन सी कैंसिल अप हो रही हैं, अगर माइनस आर टू जो है वो अगली वाली जो टर्म का पहले से कैंसिल हो रहा है, यानी कि आप 1/R2 जो है वो यहाँ से हमारे पास कैंसिल हो रहा है, इसी तरह 1/R3 जो है वो उसकी नेक्स्ट टर्म्स के फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह हम देख सकते हैं कि सारी जो हमारे पास टर्म्स हैं वो कैंसिल अप हो जाएंगी और सिर्फ एंड में जो हमारे पास टर्म बचती है 1/R1 बचती है और 1/RN बचती है, ठीक है, और इसी चीज़ को हम जो है वो लिख लेंगे कि हमारे पास जो जो टर्म्स बचेंगी उसके मुताबिक। अब हमने स्टूडेंट्स लिख लिया है कि हमारे पास जो है W टोटल जो है वो हमारे पास कितना बन रहा है, W टोटल माइनस GMM इंटू 1/R1 - 1/RN, यानी कि ये जो है वो टर्म्स सिर्फ हमारे पास बच जाएंगी, बाकी सारी टर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल अप हो जाएंगे। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास टोटल वर्क डन आया है जो कि 0.1, यानी कि R1 पॉइंट का डिस्टेंस जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ से है और एंड पॉइंट का डिस्टेंस जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ से है, यानी कि एंड पॉइंट जो है जो कि हमारा एंड पॉइंट होगा, ठीक है। अब क्योंकि हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं और उसको हमने जिस तरह से डिफाइन किया था कि हमने बॉडी को डिस्प्लेस करना है टू द इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट तक हम लेके जाना चाहते हैं, अगर एन जो है स्टूडेंट्स एन पॉइंट जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस जो होगा सेंटर ऑफ द अर्थ से वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो अगर 1/RN को मैं लिखूँ तो 1/∞ बनता है और 1/∞ की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। अब इसी चीज़ को हम फॉर्मूला में इनपुट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है वर्क डन की वैल्यू, माइनस GMM इंटू 1/R1 - 0, और वो हमारे पास जो है इस चीज़ को ख़त्म कर देगा, यानी कि माइनस जीरो किसी में चीज़ से निकालूँ तो हमारे पास उस पर फ़र्क नहीं पड़ता तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/R1, ठीक है। ये मेरे पास स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, और इस चीज़ को हम क्योंकि वर्क डन है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी की से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि यू से कैपिटल यू से जो कि हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि माइनस GMM इंटू 1/R, ठीक है, ये हमने उसका जनरल फॉर्मूला लिख दिया, यानी कि R डिस्टेंस पे जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी हमारे पास ये वैल्यू होगी। अब फॉर्मूला डिस्कशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि रिजल्ट डिस्कशन में अगर हम देखें कि ये जो फॉर्मूला हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जनरेट किया है इसका मीनिंग क्या है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स अगर R की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाते हैं, यानी कि R जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके उस पॉइंट तक का जहाँ हम उस बॉडी को लेके जाना चाहते हैं, ठीक, अगर हम R डिस्टेंस पे लेके जाना चाहते हैं, R की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाते हैं तो U की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये एक अट्रैक्टिव फील्ड मतलब कि अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस जिस तरह से हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे पास एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जैसे जैसे हम स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक मतलब कि अर्थ की बाउंड्री से यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके अराउंड है उसे बाहर जाते जाते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ उसकी अट्रैक्शन जो होती है यानी कि जो अर्थ हमारे पास एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है उसकी वैल्यू वीक से वीक होती जाती है। इस फॉर्मूला से भी स्टूडेंट्स हमें यही चीज़ मालूम हो रही है कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाएंगे यानी कि मोर डिस्टेंस ट्रैवल करते जाएंगे अर्थ से स्पेस में जाते जाएंगे
तो हमारे पास ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी, यानी कि बाउंडिंग जो फोर्स है एक चीज़ को इकट्ठा, एक चीज़ को अपनी तरफ खींचने वाली जो फोर्स है वो जो है वो वीक से वीक होती जाएगी, यानी कि जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो एनर्जी की वैल्यू है वो हमारे पास कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ये तो हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें जो कि हम एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ लेते हैं, ठीक है, सर्फेस ऑफ अर्थ लेते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, एम जी एच। एम जी एच अगर देखें स्टूडेंट्स, इस केस में जब हम सर्फेस ऑफ द अर्थ की बात कर रहे होते हैं, यानी कि अर्थ के बिल्कुल करीब करीब का जो इलाका है, वहाँ हमारे पास जी जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, और उसमें जो वेरिएबल जो हमारे पास आता है वो हमेशा एच होता है, क्योंकि हम जी की वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, और एच जो है वेरी कर रहा होता है। जैसे जैसे हाइट पर हम जाते जाते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो डिपेंडेंट मतलब कि एच जो है वो वेरिएबल होता है। लेकिन एब्सोल्यूट जब हम बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं तो फिर उसके बाद हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, और उस केस में हमारे पास जैसे जैसे हम हाइट पे बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं, हमारे पास जो अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन है, वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज़ करती जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक कम्प्लीट इंट्रोडक्शन जो कि हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में दिया है। अगर हम इस पर देखें कि अगर हम एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उस केस में हमारे पास U की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी एम एम इंटू वन अपॉन R, कैपिटल R, यानी कि मैंने स्मॉल R को रिप्लेस कर दिया कैपिटल R से, क्योंकि अगर हम देखें कि हम हमेशा डिस्टेंस जो लेते हैं वो सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेते हैं जहाँ से हम अपना ऑब्जेक्ट लेके जाना चाहते हैं, यानी कि अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करते हैं तो हमारे पास सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो इस वजह से मैंने स्मॉल R को रिप्लेस कर दिया कैपिटल R से। ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ।